नमस्कार सर, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। नमस्कार। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चुनाव प्रचार के इस व्यस्त समय में हम लोगों के लिए समय निकाला। थैंक यू। तो सर, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार अपने एकदम अंतिम चरण में है और आप लगातार कैंपेन भी कर रहे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के लिए क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैं घूम रहा हूँ, पहली चीज़ तो जिस तरह से इन लोगों ने झूठे केस में मुझे फंसा के और गिरफ्तार कर लिया, और इनका मकसद था दिल्ली की सभी सेवाओं को रोकने का, स्कूल बंद करने का इनका मकसद था, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे इनका मकसद था, फ्री बिजली बंद कर देंगे। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इसको लेके, और चुनाव जिस दिन 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुए और 21 तारीख को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो गुस्सा साफ जाहिर है। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसको लेके रोष है और वो चुनाव में वोटिंग में तब्दील होगा। और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की 7 सीटें दिल्ली में इस बार आनी चाहिए। सर, दिल्ली में आपने बड़े मार्जिन से 3 सरकार बनाई है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा चुनाव में अभी वैसी सफलता आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है, तो इस बार क्या बदले हुए समीकरण सर आप देख रहे हैं? एक तो जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से इन्होंने गिरफ्तारी की, उस गिरफ्तारी का बहुत ज़बरदस्त बैकलैश इनको मिलेगा। दूसरा, जब भी 2 हम चुनाव लड़े, हम एक तरह से दिल्ली की पार्टी थे, तो लोग कहते थे भाई आप लोग हो बहुत अच्छे, अच्छा काम करते हो, पर ये तो बड़ा चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, इसमें आपको क्यों वोट दें। इस बार हम खुद भी राष्ट्रीय पार्टी हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, और धीरे धीरे ये क्लियर होता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तो केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश का हम हिस्सा हैं, तो इसलिए हम केंद्र के सरकार बनाने के पूरे उसमें हम भी एक वो दावेदार हैं, तो लोग हमें उस तरह से देखते हैं, तो लोग हमें वोट देंगे। सर, जैसे आपने अभी बताया कि चुनाव की घोषणा के कुछ समय बाद ही आपको जेल भेज दिया गया और करीब 50 दिन रहने के बाद में आप अंतरिम जमानत पर बाहर आए, तो इससे पूरे टाइम पीरियड जो 50 दिन का जेल में चला गया, उससे पार्टी के कैंपेन पर बाकी सब चीज़ों का कितना असर आप मान रहे हैं? और ज़्यादा, एक तो पार्टी बहुत मजबूत हुई है, कोई भी पार्टी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने सबसे ज़्यादा जब उस पर मुसीबत आती है तब मजबूत होता है, उस संघर्ष करता है तब मजबूत होता है। पार्टी एकजुट हो गई है, इन्होंने सोचा था पार्टी बिखर जाएगी, उल्टा हुआ, पार्टी एकजुट हो गई, एक परिवार की तरह हो गई है। हमारी जो लीडरशिप बाहर थी, उस लीडरशिप ने जिस तरह से पार्टी को संजोया वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और जनता का समर्थन अभूतपूर्व मिल रहा है हम लोगों को। इतना समर्थन हमें असेंबली चुनाव में भी नहीं दिखाई देता था जितना समर्थन अभी, तो इनकी गिरफ्तारी करना जो है वो बिल्कुल ही इनको उल्टा पड़ा है और इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप एक चीज़ करें सर, कि हम इस बार चूंकि इंडिया गठबंधन के साथ हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, बट एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि इस इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा? वो तय कर लेंगे, इस वक्त सबसे ज़रूरी है देश को बचाना। पहली चीज़, जिस तरह की तानाशाही देश के अंदर हो गई है, जिस तरह से मेरी गिरफ्तारी की गई, सब लोगों को लगता है यार ये तो किसी को भी पकड़ लेंगे, झूठे केस में ये तो किसी को भी फंसा लेंगे। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, 2 पहले मेरे पीए को जेल में डाल दिया, अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ को भी जेल में डालेंगे, उधर हेमंत सोरेन साहब को जेल में डाल दिया, एनसीपी पार्टी को तोड़ दिया, 2 कर दिए शरद पवार जी की पार्टी को, शिवसेना के इन्होंने 2 कर दिए, ममता बनर्जी के मंत्री गिरफ्तार कर लिए, स्टैलिन साहब के मंत्री गिरफ्तार कर लिए, पिनाराई विजयन साहब के ऊपर केस कर दिया, तेजस्वी यादव के ऊपर के, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। जैसे रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया या मरवा दिया और फिर चुनाव कराए तो 87% वोट से जीत गए वो। शेख हसीना ने बांग्लादेश के अंदर सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, चुनाव कराए, बन गई राष्ट्रपति। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। ये भी वही करना चाहते हैं कि सारे विपक्ष को जेल में डाल के, अगर ये जीत गए सारे विपक्ष को जेल में डाल के, ये उसके बाद एक तरफ राज करेंगे। इस तानाशाही से देश को बचाना है। दूसरी तरफ इन्होंने मन बना लिया है संविधान बदल के रिजर्वेशन खत्म करने का, उससे देश को बचाना है। तो ये मौका, ये जो है, ये देश को बचाने का वो है। कौन चेहरा होगा, कौन चेहरा नहीं होगा, ये बाद में तय हो जाएगा। सर, आप बार बार संविधान वाला इशू उठा रहे हैं,
कि भाजपा जो है वो संविधान को बदल देगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है सर कि मतलब अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है? ये कह रहे हैं 400 पार, हमें 400 सीट चाहिए। क्यों चाहिए भाई 400 सीट? इनसे पूछा किसी ने तो इन्होंने बताया, बोले मोदी जी बड़े काम करना चाहते हैं। कौन से बड़े काम करना चाहते हैं, देश को भी तो बता दो। तब पता चला कि ये संविधान बदल के और रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। सर आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआत में ही कांग्रेस को दिल्ली में हराया, कांग्रेस को पंजाब में हराया, उसके बाद में वो दोनों स्टेट्स की सत्ता में पहुंची। अब दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो क्या पार्टी कैडर पे इसका कोई असर पड़ेगा? इस वक्त सब लोग समझ रहे हैं कि ये लड़ाई चुनाव जीतने की या पार्टीबाजी की या किसी नेता के बड़े और छोटे होने की नहीं है। ये पूरा का पूरी मशक्कत इस वक्त देश को बचाने की है। अगर हम साथ नहीं आए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा कि जब देश को बचाने की जरूरत थी तुम लोग आपस में लड़ रहे थे। एक सवाल सर और उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिसका गठन ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होके हुआ, अभी दो दिन पहले ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक भ्रष्टाचार के मामले, चंदे के मामले में जो अभी आया इशू, इसी तरह शराब के मामले को लेकर, इसको लेकर कैसे इसे देखते हैं? सिर्फ ये राजनीतिक साजिश है या मतलब कुछ हुआ है? कुछ हुआ है तो मैं आपको एक ही उदाहरण दे देता हूँ। एक तो हमारे ऊपर 250 से ज़्यादा केस कर चुके हैं ये लोग, हमारे MLAs के ऊपर इधर उधर उधर मिला के 250 से ज़्यादा, जिनमें 130 से ज़्यादा केसेस में जजमेंट आ गए हैं जो सारे हमारे पक्ष में हैं। किसी को सज़ा नहीं हुई आज तक, उल्टे जो एजेंसीज हैं उनको डांट पड़ी है कोर्ट से। दूसरा ये जो शराब घोटाला है, कह रहे 100 करोड़ का शराब घोटाला, 100 करोड़ का शराब, 11 अब तो कह रहे 1100 करोड़ का शराब घोटाला। इतनी रेड मार रही, 500 से ये खुद ही बताते हैं 500 से ज़्यादा रेड मार चुके हैं, एक नया पैसा कहीं मिला? 100 करोड़ गया कहाँ? 1100 करोड़ गया कहाँ? कहीं तो गया होगा, कहीं खर्च किया होगा, कोई ज्वेलरी खरीदी होगी, कोई कैश कहीं, या तो कैश मिल जाता कहीं पे, कोई ज़मीन खरीदी होगी, कोई प्रॉपर्टी, कुछ नहीं मिला इन लोगों को कहीं पे। तो हवा में उड़ गया क्या? पूरा केस फर्जी है। ऐसे ही रोज नए नए नए, अभी दो दिन और है चुनाव के, अभी तो देखना कल भी कुछ आएगा परसों भी कुछ आएगा, रोज नए 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 कुछ भी ले आते हैं और पकड़ के आदमी को जेल में डाल देते हैं और फिर बेल नहीं होती, ऐसा कानून बना दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी जो है अपने गठन से ही, मतलब गठन हुआ फिर बहुत जल्दी दिल्ली की सत्ता में आ गई, बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो एक और चीज़ भी हुई कि जैसे आप जेल गए तो आपने CM के पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो या ये किसी रणनीति के तहत किया गया या मतलब ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है जी। मैंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? केजरीवाल वो आदमी नहीं है जो कि पद का लालची है। 49 दिन के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था। इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से इस्तीफा देके मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा था। इस बार मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनका मकसद ही ये था, दिल्ली में ये हमको हरा नहीं सकते आम आदमी पार्टी को। एक बार 67 सीट आई हमारी, एक बार 62 सीट आई, 55% के करीब वोट शेयर आया, तो दिल्ली में हरा नहीं सकते। जब हरा नहीं सकते तो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, उसके बाद इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, इसकी सरकार गिरा देंगे। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा इस्तीफा। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया ये कल को फिर ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लेंगे, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, ये स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, उनको इससे सारी सरकारें, ये तो एक एक करके सारे विपक्ष की सरकारें गिरा देंगे। तो इन्होंने जनतंत्र को कैद किया है, तो जनतंत्र को हम जेल से चला के दिखाएंगे। सर 2 जून को आपकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, उसके बाद फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार की जो कामकाज हो प्रॉपर तरीके से फिर आ जाएगी, तो वो उन कार्यों को जो जैसे महिलाओं के 1000 रुपये देने की बात है या और जो स्कीम्स आपकी चल रही है उसको कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि जेल से चलाना कैसे संभव होगा? उसके लिए हम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। कानूनी व्यवस्था ये है कि अगर कोई व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो MLA का चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे को किसी केस में कोई सज़ा नहीं हुई है, किसी केस में कोई दोषी नहीं पाया गया, इन्होंने तो वैसे ही ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके जेल में डाल रखा है, कोई सज़ा तो है नहीं मेरे को कोई, मैं तो मैं MLA बन सकता हूँ कानून में, MLA बन के मैं मंत्री भी बन सकता हूँ, मंत्री बन के मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, कानून में कोई रुकावट नहीं है, जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रह सकता हूँ। तो अगर मैं जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रह सकता हूँ तो जेल में रहते हुए मुझे अपने फाइलें निपटाने का और कामकाज मीटिंग करने का वो मिलना चाहिए ताकि मैं जनता का काम कर सकूं, नहीं तो जनता सफ़र करेगी। तो ये बात लेके हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि आप हमें ये वो दीजिए, फैसिलिटी दीजिए ताकि हम जेल में रह के अपने मुख्यमंत्री के दायित्व पूरे कर सकें। सर अगर इसमें राहत नहीं मिली तो क्या सुनीता जी अगला? आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मिलनी चाहिए? ये सवाल नेचुरल है, लॉजिकल है कि भाई सबने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई
हम उन्हें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते। अगर मेरे को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते तो मुख्यमंत्री का काम करने की सुविधा तो होनी चाहिए, वो तो नेचुरल है। आपको क्या लगता है जेल में रहकर इसको इतना आसान होगा? देखते हैं, नई परिस्थिति है। जिस तरह से इन्होंने तानाशाही करके चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना चालू कर दिया, इसका कोई तो समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये तो सारे मुख्यमंत्री जहां ये चुनाव हारेंगे वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे। इसका समाधान तो चाहिए, नहीं तो जनतंत्र ही खत्म होता जा रहा है। जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी, सरकार गिरा देगी। अगर समाधान नहीं निकलता है तो निकालना पड़ेगा, देश को निकालना पड़ेगा। कौन होगा? अकेला मेरा थोड़ी है ये, आपको हमको सबको मिलके इस देश को समाधान निकालना पड़ेगा कि इस तरह की तानाशाही का किस तरह से समाधान निकाला जाए। सर, अगर ऐसे बात करें कि सुनीता जी पार्टी कार्यकर्ता भी IRS रह चुकी है, मतलब माइनस आपके परिवार का हिस्सा, उससे अलग हटा के देखें तो आप जब जेल में गए तो हम लोगों ने भी देखा कि उन्होंने अच्छे से संभाला पीछे चीज़ें, और वो रोड शो वगैरह में भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, तो क्या अगले विधानसभा चुनाव में हम उन्हें चुनाव लड़ता हुआ देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती। वो हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया है, मेरे जैसा सन की हस्बैंड उनको मिला जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी होते हुए अचानक नौकरी से इस्तीफा देके मैं झुग्गियों में जाके काम करने लगा। वो उनके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, हर कदम पे साथ दिया। अब जब मैं जेल गया तो उस जेल जाने के जब एक इमरजेंसी थी उस वक्त उन्होंने एक तरह से मेरे और मेरी जनता के बीच में पुल का काम किया। मेरे पास आती थी, बताती थी क्या चल रहा है, मैं उन्हें बताता था कि ये संदेश मेरा जनता को दे देना, वो बाहर आके मेरा संदेश जनता को देती थी। उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद और एक गठबंधन का हिस्सा होकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है लोकसभा का, और इसी चुनाव के बीच में क्या हुआ कि अलग अलग विवाद भी हो गए, जैसे आपके एक मंत्री इस्तीफा दे गए, दूसरी वो लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, और चुनाव प्रचार में ये भी सवाल उठा कि सांसद नहीं दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी के, तो इससे क्या चुनाव प्रचार अभियान पर कोई असर पड़ेगा सर? नहीं, कोई असर, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता को इतनी, सब लोग कहते हैं इतनी अच्छी सरकार आज तक हमें नहीं मिली, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं, सब लोग कहते हैं कि मोदी जी केजरीवाल को बहुत तंग कर रहे हैं, और सब लोग कहते हैं कि मोदी जी के दिल्ली की सारी फैसिलिटीज़ बंद करना चाहते हैं, जो हमने अच्छे काम किए वो बंद करना चाहते हैं। सर, दिल्ली के अलावा आप UP भी गए, महाराष्ट्र भी गए, और पहले भी आप क्या है कि सीटों को लेकर प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि कितनी सीटें आ सकती है, तो इंडिया गठबंधन के लिए कितनी सीटों की? मैं समझ रहा हूं कि धीरे धीरे, मैं इन दिनों में काफ़ी घूमा, पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, भिवंडी गया, बॉम्बे गया, महाराष्ट्र गया, जमशेदपुर गया, लखनऊ गया। लोगों से बात करने पे जो मेरा आकलन है कि इंडिया गठबंधन अपने दम पे 300 क्रॉस करेगा और एक स्थिर और अच्छी सरकार देगा। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनती है नगर, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, कैसी भूमिका रहेगी? हम अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे ये समय बताएगा, लेकिन जो 10 गारंटी मैंने दी हैं वो मैं ज़रूर इंडिया गठबंधन से पूरी करूंगा। हम स्कूल बनाएंगे पूरे देश में, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त करेंगे, हर बच्चा जो इस देश में पैदा होता है उसके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम, अच्छी और फ्री शिक्षा का इंतजाम करेंगे। हम गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम करेंगे, हम 24 घंटे पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। अग्निवीर योजना को बंद करके जितनों बच्चों को लिया गया उनको सबको पहले 100 दिन के अंदर पक्का करेंगे, और उसके बाद पक्की नौकरी हुआ करेगी आर्मी के अंदर, ये अग्निवीर नहीं होगी। जिस ज़मीन पे चाइना ने और पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है वो ज़मीन हम उनसे वापस लेंगे। व्यापारियों को और उद्योगपतियों को काम करने की पूरी छूट दी जाएगी, और जितने ये GST और जितने कानून उनके अड़चन में आ रहे हैं उनका बहुत बड़े स्तर के ऊपर सरलीकरण किया जाएगा, भ्रष्टाचार असली में दूर किया जाएगा। ये जो अभी है कि सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ईमानदार लोगों को जेल में डाल दिया, ये प्रथा खत्म, बंद की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका मैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा, OPS लागू किया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अभी तय नहीं किया कि आप इंडिया गठबंधन सरकार का हिस्सा रहेंगे? अभी सोचने का ही मौका नहीं है, अभी है देश को बचाओ पहले किसी तरह से मोदी सरकार को। मतलब सर, कुल मिलाकर यह कि आप सरकार में रहें या ना रहें, लेकिन समर्थन की शर्त यही होगी कि जो आपकी 10 गारंटी हैं
और वो सब करेंगे, शर्त वर्त की जरूरत नहीं। ये इतनी छोटी सी चीज, बेसिक चीजें हैं, कोई भी मना नहीं कर सकता। गठबंधन के टाइम सर एक बात थी कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर, लेकिन अभी क्या है कि कांग्रेस का अपना अलग है, आपके वो हो नहीं पाया, समय की कमी रही या क्या रहा, लेकिन अगर हो जाता तो अच्छा रहता, ताकि हम सब लोग मिलकर एक ही उस पर काम करते, वो हो नहीं पाया, समय की कमी रही। सर एक चीज और देख रहे हैं, जैसे दिल्ली में आप कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नहीं? काफी अच्छा हमारे बीच में तालमेल है जी। तो बीच में ये भी हुआ था कि राहुल गांधी जी और मैं मिलके कोई वो करेंगे, लेकिन समय डेट्स वगैरह मैच नहीं कर पाई। लेकिन शुरू में हिकअप्स थे, क्योंकि हमेशा हम अलग अलग चुनाव लड़े थे और हिस्टोरिकली काफी मनमुटाव था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी अच्छी सिनर्जी ऊपर से नीचे तक है। कल राहुल गांधी दिल्ली में है, तो आपका जाने का कुछ प्लान है? मुझे आइडिया नहीं है, मैं जरूर पता करता हूँ। अच्छा सर, चुनाव आयोग पर बार बार आरोप लग रहे हैं इसको लेकर, आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे हैं, प्रशासन से जुड़े रहे हैं, तो ये जो आरोप लगते हैं, क्या संभव है कि इस तरह से जैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, बाकी चीज़ें, ये इसको लेकर सब लोग बहुत चिंतित हैं। ये अब मैं कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उस दिन शाम को जो वोटिंग परसेंटेज ये बताते हैं, कहते हैं 52%, और 6-7 दिन के बाद कह देते हैं नहीं 52% नहीं 62%। तो ये तो कभी नहीं हुआ, मतलब आज की टेक्नोलॉजी के अंदर तो रियल टाइम बेसिस पे इनके पास डेटा आता है पूरे देश भर से। इसको लेके लोगों के अंदर बहुत, और मैं चुनाव आयोग से अपील करना चाहूँगा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लोगों के मन में जो संशय है इसको दूर करें, और सब कुछ फॉर्म 17C सारे के सारे वेबसाइट पर डाल दें, हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का डाल दें कि टोटल वोटर इतने, वोट पड़े इतने, और 24 घंटे में डाल दें। क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, नहीं तो अगर ये शक पैदा हो गया, लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। सर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा, जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भाई वो चुनाव आयोग उस तरह से कार्रवाई नहीं करता है, वो भी गलत है। जो एक तरह से ये देखने को एक परसेप्शन ये है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में सभी निर्णय लेता है और विपक्ष के खिलाफ सभी निर्णय लेता है, इस चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। सर आप अपने भाषणों में, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से, तो एक योगी जी का बड़ा जिक्र कर रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आई तो योगी जी को हटा दिया जाएगा। अच्छा आप बताइए, ये तो साफ हो गया है, मैंने उन्होंने वसुंधरा राजे जी को हटाया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया, मोदी जी ने रमन सिंह को हटाया, डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस को हटा दिया, खट्टर साहब को हटा दिया, अब अमित शाह जी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के रास्ते में केवल योगी जी बचते हैं। तो मैंने कहा योगी जी को अगले 2 महीने में हटाएंगे, एक भी भाजपा के लीडर ने इसका खंडन नहीं किया कि नहीं हटाएंगे, तो साफ जाहिर है कि उनका हटाने का प्लान है। सर आप बार बार ये भी आरोप लगाते हैं भाजपा पे कि वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका क्या कारण आप देखते हैं? वो ये देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी से कई लोग मिलने जाते हैं, उनमें कुछ लोग हमारे भी मित्र हैं, तो उन्होंने आके बताया कि मोदी जी हमेशा सबसे आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं, और मोदी जी का अगर मानना है कि आम आदमी पार्टी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वो उन्हें भविष्य के लिए बीजेपी के लिए खतरा नज़र आता है, कि भविष्य में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर और कई राज्यों में बीजेपी को के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। वो चाहते हैं, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं निप इन द बड, कि पहले अभी इसको ख़त्म कर दो, इसको क्रश कर दो आम आदमी पार्टी को। तो उन लोगों ने एक ऑपरेशन झाड़ू करके एक शुरू किया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना फर्जी केस में, हमारे बैंक अकाउंट, अब इनके वकील ने बोला है कि चुनाव के तुरंत बाद हमारे बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे, हमारे दफ्तर को खाली कराया जा रहा है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, करके देख लो, आम आदमी पार्टी अब ये 4 लोगों की पार्टी नहीं है, ये एक विचार बन गया है जो देश में चारों तरफ फैल रहा है बहुत तेज़ी से, लोगों के दिल के अंदर बैठ गई आम आदमी पार्टी। केजरीवाल रहे ना रहे, लेकिन कल 100 केजरीवाल पैदा कर देगी भारत माता। ये 10 लोगों को जेल में डालेंगे, हमारे 1000 नेता पैदा करे हो जाएंगे पूरे देश के अंदर। आज सुबह एक खबर और दिल्ली पर, एक दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ गई, यमुना में पानी का लेवल बहुत नीचे, जगह से प्रोडक्शन कम हो गया है, इसको लेकर कोई? ये भी इनका एक षड्यंत्र है, बताओ किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग चुनाव जीतने के लिए। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव 2 दिन रह गए, इन 2 दिनों में ये जानबूझ के दिल्ली में पानी की किल्लत करना चाहते हैं, ताकि लोग हमसे नाराज़ हों,
हमारे को बदनाम करने के लिए, ये तो गलत बात है। पानी तो कम से कम मत रोको यार, पानी किसी का रोकना तो पाप है। अच्छा सर, दिल्ली के अलावा जैसे आप गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पंजाब लड़ रही है, तो बाकी स्टेट्स में क्या आप इस बार देखते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी सफल? बहुत अच्छा किया है, गुजरात वाली सीट भी जीत रहे हैं, कुरुक्षेत्र से भी अच्छी खबर आ रही है, वो भी जीतेंगे। आपको ताज्जुब होगा, सबसे मैक्सिमम स्ट्राइक रेट शायद भारत के इतिहास में इस बार आम आदमी पार्टी का होगा। जितनी सीटें हम जीत रहे हैं उसमें से मैक्सिमम सीटें जीतेंगे हम लोग, जितनी लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।